जय देवरकोंडा की तारीफ करनी पड़ेगी कि भाई उन्होंने 50 पुशअप्स मारी, लेकिन आर्मी के जवान रुक ही नहीं रहे थे। तो बाद में विजय ने पूछा कि भाई आप कितनी मार लेते हो नॉर्मल इजीली, जैसे कि वार्म अप सेट में जो मारते हैं। तो बोले कि वार्म अप सेट मार देते हैं 100 पुशअप्स और उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। भाई फटके हाथ भी आगे कि दादा आगे से ना आर्मी जवानों के साथ कोई चैलेंज नहीं लेने वाला मैं। देखिए विजय देवरकोंडा इन दिनों अपनी मूवी जन गण मन के लिए तैयारियां कर रहे हैं। ये मूवी भी पूरी जगन्नाथ साहब ही डायरेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर एक आर्मी जवान बने हैं विजय देवरकोंडा। भाई इनकी फिजिक तो ठीक आपको पता है ही, क्योंकि रिसेंट जो इन्होंने मूवी की थी वो थी लाइगर, जहाँ पर वो एक MMA खिलाड़ी बने थे। तो भाई साहब एक्सरसाइज के मामले में ही इज इन गुड कंडीशन। तो भैया इसी ताव ताव में ऐसा चैलेंज ले रहे थे आर्मी के जवानों से, तो भाई अपने सेना के एक जवान ने बोल दिया कि भैया ये पुशअप चैलेंज लेंगे क्या? क्योंकि भाई साहब जब आप फिजिक बनाना स्टार्ट करते हो सबसे पहले शायद पुशअप्स पर काम किया जाता है। वो भाई 10 से 15 जाती है, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 50। जब आप 50-100 के बीच मारने लगते हो तो भाई सुनने में आता है कि आप अच्छी फिजिक बना लेते हो। और भाई ने भी हाँ कर दिया कि हाँ कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतने सारे तो राउंड खेल दिए ये भी खेल लेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता था विजय देवरकोंडा साहब को कि भाई वो इंडियन आर्मी है, मत्थासन का तो क्या पता पूरा दिन लगे रहेंगे, नहीं रुकने वालों में से। भाई तो उन्होंने पूछा कितनी क्या मारते हो, तो भाई वो लग पड़े। अब विजय देवरकोंडा की तारीफ करनी पड़ेगी कि भाई उन्होंने 50 पुशअप्स मारी, लेकिन आर्मी के जवान रुक ही नहीं रहे थे। तो बाद में विजय ने पूछा कि भाई आप कितनी मार लेते हो नॉर्मल इजीली, जैसे कि वार्म अप सेट में जो मारते हैं। तो बोले कि वार्म अप सेट मार देते हैं 100 पुशअप्स और उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। भाई फटके हाथ भी आगे कि दादा आगे से ना आर्मी जवानों के साथ कोई चैलेंज नहीं लेने वाला मैं। तो ये कई बार मैंने विद्युत जामवाल को भी देखा ऐसे एक्सरसाइज करते हुए, पुशअप चैलेंज लेते हुए। मेरे हिसाब से अब तक तो कोई सेलिब्रिटी आर्मी के जवानों से जीता नहीं है और शायद जीते भी ना कभी, क्योंकि भाई जो एक्सरसाइज ये जिम में करते हैं ना वो एक्सरसाइज उससे ज़्यादा ब्रूटल तरीके से पहाड़ों में करते हैं, जहाँ पहले से ऑक्सीजन कम है। तो इनके स्टेमिना की, इनके कैलिबर की, इनकी ताकत की होड़ तो हो ही नहीं सकती। इंडियन आर्मी ऑलवेज जिंदाबाद। बाकी कमेंट बॉक्स में यहाँ तक आ गया तो लिख दो यार जय जवान जय किसान भारत माता की जय। बाकी मिलता हूँ, चल बाय बाय।